राठौर राजसमंद क्षेत्र से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हम उनसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि 3 साल के समय में आपने अपने क्षेत्र को क्या कहते हैं। हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत विचित्र क्षेत्र है, वो 4 जिलों में बटा हुआ है लोकसभा क्षेत्र। उसमें राजसमंद जिला पूरा आता है, अजमेर ब्यावर आता है, अजमेर का कपाली का जेतरन आता है, नागौर के 2 विधानसभा क्षेत्र आता है और बैठते हैं। तो इसकी विविधता है क्षेत्र की, जोग्राफिकली भी डिफरेंट से लोग भी अलग अलग तरह के हैं, व्यवसाय भी अलग अलग। तो हम लोगों को इसको एक अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से देखने की इसमें आवश्यकता है। वैसे राजसमंद जिला क्योंकि 4 विधानसभा यहाँ के होती है, तो प्रमुख है राजसमंद जिला, इसका केंद्र रहता है। तो राजसमंद जिले में 2-3 प्रयास हम रहते हैं। एक तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से एक बहुत अच्छा क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी मंदिरों का है, परिवार के प्रमुख या जितने भी धार्मिक स्थल हैं। और जब राज्य केंद्रीय सरकार ने एक योजना बनाई कृष्ण सर्किट, राम सर्किट और बुद्ध सर्किट, हमारे मंत्री जी से हमने आग्रह किया कि इसको आप कृष्ण सर्किट को इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि श्रीनाथ जी का दौर द्वारकाधीश का जो स्थान है वो कृष्ण भक्ति का वल्लभ संप्रदाय का पीठ स्थान है। हम कृष्ण को अगर भक्ति को डिफेंड करते हैं, कृष्ण तो अपूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन वल्लभ संप्रदाय को अगर हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं तो कृष्ण भक्ति का दर्शन जो है वो इनकम्प्लीट होता है। और माननीय मंत्री जी ने, महेश जी ने उसको बहुत सीरियसली लेके उसको कृष्ण सर्किट में इंक्लूड किया। तो नाथू द्वारा को डेवलपमेंट श्रीनाथ जी की नगरी को डेवलपमेंट स्वीकार किया। दूसरा, ये एक ऐतिहासिक स्थल रहा है, हल्दी घाटी कुंभलगढ़ और ये रहा है। हमारा प्रयास रहा, मैंने लोकसभा में भी 2-3 बार विषय रखा है कि कुंभलगढ़ एक ऐसा फोर्ट है जिसका डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो डेवलपमेंट इसलिए आवश्यक है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो आज एक 8वां आश्चर्य है, 8 आश्चर्यों में से एक है, उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट वॉल वो कुंभलगढ़ की है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो जगह जगह से टूटी हुई है, लेकिन ये इंटैक्ट वॉल है, और इसकी क्योंकि ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल है और इसका स्थान का महत्व भी बहुत जोरदार है, ये अनकॉन्कर्ड फोर्ट कहलाता है। इसके ऊपर अकबर ने भी राज नहीं किया था, बाकी सब किले मेवाड़ के जीत गए, लेकिन अनकॉन्कर्ड रहा ये। तो इसके डेवलपमेंट में हमने किया, तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा कि वर्ल्ड हेरिटेज में इसको इंक्लूड करने के लिए उसका डेवलपमेंट का हमारा काम। फिर हमारे राजसमंद जिले का एक प्रमुख काम जो था वो था कि वहाँ की जो रेल लाइन है विच इज़ फ्रॉम बावली टू मारवाड़ जंक्शन, ये प्री इंडिपेंडेंस लाइन है, आज़ादी के पहले की लाइन थी, और उसके लिए मेरे से पूर्ववर्ती 750 ने बहुत प्रयास कि इस रेल लाइन को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट कराया जाए, लेकिन ईश्वर को ये श्रेय मुझे देना था और इस सरकार को ये श्रेय मिलना था। इंस्पाइट ऑफ देयर ऑल प्रयास ये इस बार के बजट में इस रेल लाइन का ब्रॉडगेज में कन्वर्शन का ये काम हुआ, ये एक बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा सरकार की योजनाएं जितनी हैं उन लोगों को हमने हाईलाइट किया। जो मेरे दूसरे विधानसभा क्षेत्र हैं उसके लिए हम लोग कुछ काम कर पाए, कुछ काम हम कर रहे हैं। मीरा का क्योंकि एक बहुत बड़ा केंद्र आता है मेड़ता, तो मेड़ता के अंदर मीरा के विषय को भी लोकसभा में उठाया है और वहाँ के डेवलपमेंट को भी हम लोगों ने प्रयास किया। और क्षेत्रों में कुछ मांगे अभी पेंडिंग चल रही है, उनके लिए हम लोग प्रयत्नशील है और जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उसको करेंगे। प्रभुत्या में 1-2 चीज़ें विशेष रूप से आपको डेवलपमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि माननीय मोदी जी ने सभी सांसदों को हर को एक एक गांव को आदर्श गांव बनाने का संकल्प दिलाया, और हमने भी उसी संकल्प के माध्यम से जो एक गांव था उसको हमने अडॉप्ट किया, उसको हमने चयनित किया। अब चयनित गांव के अंदर मेरा ये मानना है कि पंचायत राज, क्योंकि मैं जिला प्रमुख रहा हूँ और मैंने पंचायत राज को नज़दीक से जिया, किसी भी ग्राम पंचायत को जब तक आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं बनेगी वो, तब तक उस ग्राम पंचायत को सिर्फ सरकारी योजनाओं से डेवलप नहीं किया जा सकता। और आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए एक व्यक्ति के पास में अगर 100 बीघा 200 बीघा जमीन होती तो वो लखपति होता है, इतनी उसकी आमदनी बन जाती है। हर ग्राम पंचायत के पास में 2,000, 2,500, 3,000, 1,000 बीघा जमीन है और आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं है, तो हमने उसको टारगेट करके और वहाँ पर जितनी चारा का भूमि थी जिनके ऊपर अतिक्रमण थी, बिना सरकार के सीओ के, बिना कानून के डंडे के,
हम लोगों ने लोगों को कन्विंस करके उसे उस अतिक्रमण को मुक्त कराया और उस जमीन पे फॉरेस्ट डेवलप करके फ्रूट प्लांट्स लगा के और आर्यस पंचायत को आर्थिक दृष्टि से मजबूती स्थापित करने का हमने ये संकल्प लिया और उसमें हम सफलतापूर्वक कर पाए। हमारे यहाँ पर एक अच्छे कार्यकर्ता है श्याम सुंदर जी हैं जो पाली वाले मोरगढ़ गाँव के निवासी हैं। उन्होंने प्रांतीय ग्राम पंचायत को इसी थीम के ऊपर डेवलप किया था और उसको देखने के लिए अन्ना हजारे भी वहाँ पर आए, इतनी डेवलप की उन्होंने। उन्हीं को मैंने ये जिम्मा सौंपा कि आप इस पंचायत को डेवलप कराओ, उन्होंने उस पर बहुत अच्छा काम किया और करीब 500 बीघा एक जगह और 100 बीघा एक जगह इस तरह दो कैचेस में हमने किया। और इसके साथ में हमने एक थीम और दी है जो प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक थीम है, उस थीम को भी हमने लेके एक आइडेंटिफाई जमीन की उस बचारागा के अंदर जहाँ पर वर्ष में एक बार हम बेटियों के नाम पर एक कार्यक्रम आयोजित करें और उस कार्यक्रम के अंदर हमारे जितनी भी बेटियाँ उस वर्ष में उस गांव के अंदर पैदा होंगी उन सब बेटियों के नाम से उसके परिवार वाले आके और वहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे बेटी के नाम से। ये अगर कॉन्सेप्ट चला जाता है कि हर बेटी के नाम पर वृक्षारोपण हो, हर वर्ष वृक्षारोपण हो, वो परिवार वाले उसको सम्माने, वो गाँव की पंचायत उस पेड़ को बड़ा करे, अगर ये थीम हमारी बनेगी हम पर्यावरण की दृष्टि से भी बैलेंस कर पाएंगे और हम बेटियों को भी सम्मान दे पाएंगे। इन दोनों थीम को लेकर हम लोगों ने किया आर्थिक दृष्टि से पंचायत मजबूत। मेरा मानना यह है कि किसी भी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए पैसा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा नहीं करता। इट हैज़ गॉट एन इम्पोर्टेंट रोल बट देट इज़ नॉट ओनली द रोल, इसके साथ साथ में क्योंकि अगर पैसे से अब तक मैं गाँव में जाकर जब बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ लोगों को सबको कि आपकी ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद में कितना पैसा आया एक बार गणित निकाल के देखो। अगर पैसे के बलबूते पे ग्राम पंचायत आदर्श बनती तो अब तक पूरा हिंदुस्तान आदर्श बन गया होता। लेकिन इट इज़ नॉट ओनली दिल्ली विच मैटर्स, इट इज़ द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों की सहभागिता जब तक नहीं होगी, लोगों में चेतना नहीं आएगी, लोगों में अपना तो नहीं आएगा। एक हैंडपम्प को बच्चा तोड़ता है तो हमें लगता है कि सरकारी साधन तोड़ रहा है, मेरे घर का बल्ब अगर तोड़ता है तो मैं घर जाके उसे झगड़ा करने को जाता हूँ। जो पीड़ा मेरे घर के बल्ब टूटने पर मुझे होती है वो पीड़ा मेरे देश के हैंडपम्प तोड़ने पर मुझे क्यों नहीं होती, वही पीड़ा मुझे जिससे होने लग जाएगी। उसने ये फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द कंट्री ये डेवलप करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो भौतिक डेवलपमेंट के साथ साथ में मानवीय विकास के बिंदुओं को भी हम लोगों ने लेने का प्रयास किया, ऐसे एक आदर्श गांव बनाने का लोगों ने संकल्प किया उसमें हमें सफलता मिली। राजसमंद क्षेत्र में भरपूर मिनरल्स इन चीज़ों से भरा हुआ है, दुनिया में वहाँ से मार्बल सरकारी रसायन फिर भी राजसमंद पिछड़ा हुआ क्यों है? पिछड़े हुए की दृष्टिकोण से जो आप बात कर रहे हैं तो मैं तो उसको इतना पिछड़ा हुआ नहीं मानता। आज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम मान रही है, डेवलपमेंट मान जो हो रहे हैं तो पिछड़े की डेफिनेशन में हो सकता है आपकी बात पहले कभी नहीं, तीन साल में अगर देखें तीन साल तो बहुत फर्क आया हो ये ऐसा बता रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, उससे पहले भी जैसे मैं मुझे मालूम है कि मैं राज्य में बहुत बार बिजली की समस्या वहाँ रही है, रोजगार की भी समस्या वहाँ रही है, माइंस वालों की भी बहुत समस्याएँ रही हैं उस क्षेत्र में कि अब आप मुझे नुमाइंदा है उस क्षेत्र में हमने सरकार के पटल पर जो कुछ ना कुछ रखा उस क्षेत्र में जाकर ये मुझे राजसमंद से ही क्वेश्चन मिला है। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन इसलिए उठता है कि राजसमंद को मार्बल मंडी के रूप में हम लोग डेवलप नहीं कर पाए जी, किशनगढ़ मार्बल मंडी बन गई, उसका मानना है कि वो स्कैटर्ड नहीं होगी, राजसमंद स्कैटर्ड हो गया अलोंग विद दी हाईवेज, पूर्ववर्ती सरकारों ने निर्णय लेने में गलती की। अगर एक क्षेत्र को डेवलप करते हैं औद्योगिक दृष्टि से तो वहाँ पर वो मंडी का रूप दे सकती थी, लेकिन ये उदयपुर से चालू होके और अमेठ तक आके ख़त्म होती है विच इज़ अ डिस्टेंस ऑफ, बीच में उदयपुर के पास में कुछ एरिया बचा होगा बाकी नाथद्वारा से अमेठ तक का है, तो ये करीब आप समझिए कि 50 किलोमीटर में फैली हुई मंडी अलोंग विद दी हाईवे और मोदी साइड ऑफ दी हाईवे मोदी साइड, तो इसको डेवलप करना संभव नहीं होता। ऐसे मंडी मंडी मीन्स एक जगह जहाँ डेवलपमेंट हो, रोड्स बने, इलेक्ट्रिक कनेक्शन हो, फैक्ट्री का वहाँ पर प्लॉटिंग हो, वो डेवलपमेंट पूर्ववर्ती सरकार नहीं कर पाई, उसकी वजह से इस तरह का डेवलपमेंट वहाँ हो गया और ये होने से अब मंडी का वो स्वरूप नहीं ले पा रहा। बाकी बिजनेस के हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स आती है और जब जब जो प्रॉब्लम्स आती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भित हो या केंद्र सरकार के संदर्भ में हम लोग पीछे उठाते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। पावर सप्लाई की भी कोई प्रॉब्लम थी आपसे? वो पावर सप्लाई की आज इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ रोड ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट का भी अंदर आ गया आमेर जो रोड जाती है उनकी हालत में भी बहुत
अच्छी नहीं, उस पर काफ़ी काम हो गया है वहाँ का, एक बहुत अच्छा तरीका से अधिकतर की रोड मैं घूमा हूँ काफ़ी, अभी भी गया था उसमें, आधी आधी रोड कम्प्लीट है बाकी नहीं, वो सब सेंक्शन है, वो सब सेंक्शन है। अमृत अगरिया केलवा जो हमें अमृत रोड है वो सेंक्शन है, उसके लिए देवगढ़ की रोड भी सेंक्शन है, इधर जो अमृत से लगी वो रोड से वो सेंक्शन है, जातियों का जो एरिया है माइनिंग एरिया वो रोड सेंक्शन है। पर उसमें होता क्या है कि माइनिंग एरिया के अंदर रोड को इसलिए परमानेंट नहीं कर सकते कि जब माइंस चालू होती है तो उसके बाद में रोड चेंज होती है, जहाँ मिनरल होता है अगर रोड हट गया दूसरी तरफ रोड बनाते हैं, तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह प्रॉब्लम है तो नज़र में है, उसके लिए कदम का कदम आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की कुछ प्रमुख योजनाएँ हैं मुद्रा स्कीम, आपने जैसा बेटियों के लिए बताया, उसके अंदर एजुकेशन भी है, बेटियों की एजुकेशन को खास होता है, गरीब परिवार के उत्थान के लिए प्रेगनेंट वुमन के लिए इन प्रोग्रामों के तहत आपने खाली है। हम लोगों का ये मानना है कि कुछ क्षेत्र हमारे जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जैसे खमनोर पंचायत समिति का क्षेत्र है जहाँ पर आदिवासी व्यक्ति वो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, कुंभलगढ़ का कुछ क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायकगण जो है वो भी बड़ी सफलता से कर रहे हैं। CSR के अंदर जितनी कंपनीज हमारे यहाँ पर काम कर रही हैं उन लोगों को हमने कहा है कि आप कुपोषण को आइडेंटिफाई करो, कुपोषण के लिए बाकी सब व्यवस्थाएँ जो सरकार की योजना है तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके बच्चे को, और हमारा आके हॉस्पिटल है वहाँ पर व्यवस्था है, जैसे ही आइडेंटिफाई होता है बच्चा को कुपोषित है उसको वहाँ एडमिट करके उसको वापस निकाल के और नॉर्मल ड्यूटी में लेके वो करता है। बाकी जो योजनाएं हैं सरकार की उनकी, क्योंकि MP खुद मॉनिटरिंग करता है और हम दिशा के माध्यम से जो संस्था बन रही है जिसका चेयरपर्सन MP होता है, वो तो पूरी लोकसभा क्षेत्र के इस योजनाओं के बारे में समय समय से अधिकारियों के साथ में इंटरेक्शन करके जहाँ जहाँ कुछ शिथिलता नजर आती है उसमें गति लाने का प्रयास करते हैं, सारी योजनाओं को बैलेंस रूप से चलाने का मौका देते हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा स्कीम में बहुत ही अच्छी स्कीम होनी चाहिए, प्रधानमंत्री योजना से तहत जुड़ी हुई है, उस तहत कितने रोजगार को उसके लिए जो प्रचार प्रसार का है वो तो हम लोग पंचायत स्तर पर जहाँ भी मीटिंग्स में जाते हैं इस चीज़ की प्रचार प्रसार करते हैं। दोनों योजनाएँ मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना को बहुत हमने प्रभावी ढंग से माना है। एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता कितनी संख्या हुआ है, लेकिन जितने भी लोगों के उन्होंने हुआ था बैंकिंग के साथ में भी हम लोगों ने उसे कहा है कि जो कुछ बैंक्स हैं जो उसमें कॉपरेट कम कर रहे हैं उनको भी हमने प्रेशराइज किया कि वो कॉपरेट कर रहे हैं। हाँ कुछ समस्याएं इस तरह की आ रही है कि जो बड़े लोन्स हैं वो एग्जीक्यूट अभी नहीं हो पा रहे हैं, और वी आर इन इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट एज वेल एज द बैंकर्स कि वो बड़े लोन भी जो 50,000 के लोन हैं वो हो जाते हैं पर 5,00,000 के और 10,00,000 के नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को प्रोसेस, लेकिन डेफिनेटली इन योजनाओं का लाभ क्षेत्र में मिलता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी हमारे यहाँ पर संस्थाओं ने आगे आगे काम चालू किया है, वो कर रहे हैं, जितने बड़ी संस्थाएं उन लोगों से हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने स्तर पर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ में जो स्किल डेवलपमेंट का काम है उसको डेवलप करें, क्योंकि हमारे पास में बड़ी कंपनीज हैं, हिंदुस्तान जिंक का बहुत बड़ा काम है, विदास का काम है, आर्थिक अफील का काम है, इन लोगों से भी हम लोग संपर्क करके वो अपने स्तर पर भी स्किल डेवलपमेंट का काम करें, और गवर्नमेंट की जो प्रयास है उनसे भी स्किल डेवलपमेंट करते हैं ताकि इनका मिला जुला प्रभाव आ चुका है। आपके क्षेत्र से जुड़े हुए पर्यटन स्थल काफ़ी लोग जाते भी हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट में देखा जाए कि राजस्थान पर्यटन डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंट उसमें आपके क्षेत्र में ज़्यादा महत्व नहीं देता, तो पर्यटन का यहाँ की यहाँ एक धार्मिक पर्यटन का प्रभाव ज़्यादा है। उदयपुर में जो पर्यटक आता है वो पर्यटक सिर्फ धार्मिक पर्यटक नहीं होता, पर ये शिमला जी द्वारकाधीश चारभुजा ये जो धार्मिक पर्यटन के स्थान है, यहाँ जो पर्यटक आ रहा है वो ज़्यादातर धार्मिक माना जाता है तो वो अपना धार्मिक सर्किट करके निकल जाता है। उसके साथ में हल्दीघाटी हमारा जो क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट हुआ है, माननीय भैरव सिंह जी ने महाराणा प्रताप को उनके जितने भी कार्यक्षेत्र थे उनके जो स्थान थे उनको मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के नाम से उन्होंने एक योजना बना के उसको डेवलप किया था, महाराणा प्रताप के स्टेचू को हल्दीघाटी में लगा के राष्ट्रीय स्मारक मॉन्यूमेंट्स के रूप में भी उसको डेवलप करने का उनका प्रयास था, लेकिन क्योंकि बीच में जब दूसरी सरकार आ गई तो ये दुर्भाग्य रहा हमारा कि वो मानते हैं कि महाराणा प्रताप राष्ट्र की धरोहर नहीं थे, ये BJP के तो उन लोगों ने इस पर प्रयास कम कर दिए, लेकिन हाँ पुनः आज ये हमारा किस्मत है कि हमारी राजसमंद की जो प्रभारी मंत्री हैं स्टेट की व्यवस्था से वो पर्यटक मंत्री ही हमारे और उनसे मेरा कई इस विषय में चर्चा हुई है, कुंभलगढ़ का डेवलपमेंट हुआ है,
अभी भी जो कॉमनवेल्थ के डेवलपमेंट के लिए 7 करोड़ कुछ ऊपर रुपया आपको मिला है, इसके डेवलपमेंट के भी काम चल रहे ताकि वहाँ फैसिलिटीज को जो है हम लोग डेवलप कर पाए। ऐसे कृष्ण टेम्पल के हैं, नौचौकी जरूर एक ऐसा स्थल है जो दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंस का है, लेकिन उसको पर्यटक की दृष्टि से महत्व नहीं दिया जाता है, फुटफॉल वहाँ नहीं जा पाता, और फुटफॉल आएगा वहाँ पर तो डेफिनेटली होगा, उसके लिए कुछ स्थानीय स्तर की योजनाएँ बनी है उसको कैसे डेवलप करें। मुख्यमंत्री ने स्वयं वहाँ विजिट करके उसके डेवलपमेंट का संकल्प हमको दिया, तो ऐसा तो नहीं कि प्रयास नहीं है, लेकिन प्रयास रेगुलर नहीं चल पाते, बीच में प्रयास को आप सही रहे, प्रयास के साथ में इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है डेफिनेटली, क्योंकि 3 साल हो गए से 2 साल और है, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आने से पहले ये चीज़ अगर होगी तो हमारी जनता मेरे साथ ही रहेगी। देखिए इसमें दो चीज़ है, मेरा मानना है कि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन 5 साल में नहीं होना है, हम लोगों को पाइपलाइन में डालना है डेवलपमेंट, जितने भी इश्यूज पेंडिंग पड़े हुए हैं उन इश्यूज़ को हम लोग कैसे पाइपलाइन में डाल के और उनको डेवलपमेंट की तरफ सही दिशा देते हैं। एक और अभी डेवलपमेंट का जो नया इशू आया जो अभी कहीं चर्चा में भी नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर हमने काम चालू कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मंत्री साहब मेरी 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ये जो लेफ्ट आउट एरिया है जो आपका अरावली के अंदर जगह है, देवगढ़ कामलीघाट का जो एरिया बचा है उनकी बाईपास जारी है ब्रॉडगेज को, ये लेफ्ट आउट एरिया को हम लोग मीटर गेज रखे और वहाँ पर ट्रेन के संचालन कराएँ, तो पुरानी जो ट्रेन चलती थी उसमें वहाँ टूरिज्म को बढ़ाएं, उमरगढ़ के टूरिस्ट को वहाँ ले जाएँ, वहाँ के फॉरेस्ट बाकी वन के जो ये आपके जानवर वगैरह हैं उनको दिखाने का, वहाँ कैफेटेरिया डेवलपमेंट करने का, इस तरह का काम करेंगे और एक ट्रेन वहाँ पर चालू करें। ऐसे दुनिया में कई स्थान हैं जहाँ पर लोग जाते हैं जंगल का आनंद लेते हैं और वो टनल्स जो उसमें हैं उनका आनंद लेंगे, ब्रिजेज हैं उनका आनंद लेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन ट्रेन को जो निकाला था इतनी खूबसूरती से निकाला था, मैंने उसके फोटोग्राफ्स भी लिए हैं, प्रधानमंत्री जी तक वो पहुँचा है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट दैट इज़ RTTC, टूरिज्म, फॉरेस्ट एंड रेलवेज तीनों को कम्बाइन करके हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उस तरह नए स्थानों को डेवलप करना था राजस्थान क्या बोले हिंदुस्तान में बड़ी फेमस है, उसके सौंदर्यीकरण पर अगर अपने कुछ कर रहे हैं तो बताएं उसमें टूरिस्ट और टूरिस्ट वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आए उसके लिए क्या करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी झील राजस्थान झील आपकी सिंचाई के लिए पानी भी देती है और पीने का पानी भी देती है और पर्यटक स्थल भी है। किसी भी झील की खूबसूरती बढ़ाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता झील होती है उसमें पानी की, ये ज्योग्राफिकली वहाँ पर जो स्थिति है उसके अंदर बाहर से कहीं पानी लाने का सोर्स अभी तक मिल नहीं पाया है। उदयपुर की जो पानी है जो उदयपुर सप्लाई हो रहा है उदयपुर झीलों को हो रहा है और पेयजल के लिए हो रहा है, उस पानी से भी इतना पानी स्पेयर नहीं हो पाता कि हम उसको राजसमंद में ला सकें जो ग्रेविटी से पार हो सके। बाकी राजसमंद कहीं से भी अगर आप पानी लाएँ तो लिफ्ट करके आपको पानी लाना है, और लिफ्ट करके आप चाहे बांसवाड़ा से पानी लाने की बात करेंगे या वो नदियाँ जो बांसवाड़ा को पानी को करेंगे उनको करेंगे, तो आज पानी को लिफ्ट करके लाना उदयपुर शहर में जयसमंद से पानी को लिफ्ट करके पीने के लिए लाने की जो व्यवस्था की उसका 1 करोड़ रुपए का महीने का बिल आता है कि वहाँ की स्थानीय निकाय जमा करने की परेशानी होती है। तो किसी झील को बढ़ने के लिए पानी को लिफ्ट करके लाना इतने डेवलपमेंट अभी हमारे यहाँ नहीं। हाँ लेकिन जो सोर्सेज वहाँ पर हैं उनको एक्सप्लोर करें, जो अवरोधक उसमें हैं उन अवरोधों को हटाएं, जो माइनिंग एरिया का पानी इकट्ठा होकर माइनिंग में भरा रह जाता है उसको हम लिफ्ट आउट करके और उसका रहें, इस तरह की प्लानिंग हम लोग इसमें कर रहे हैं। आज तो ईश्वर की मेहरबानी है अच्छा पानी वहाँ नहीं भरा है तो काशी जी में काफ़ी पानी आया है खास समय में तो खुशी होगा माहौल।